इस वीडियो में हम विंडो 10 एम के बारे में जानेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है विंडो इज़ एन डैश क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन बी वेब ब्राउजर ऑप्शन सी कंप्यूटर या ऑप्शन डी वर्ड प्रोसेसर तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है द मेन वर्क स्पेस ऑफ ए विंडोज कंप्यूटर इज कार्ड द यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए फोल्डर ऑप्शन बी शॉर्टकट ऑप्शन सी डेस्कटॉप ऑप्शन डी टास्क बार तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी डेस्कटॉप इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है The icon इन दिस अमेज इज़ मोस्ट लाइकली ए तो यहाँ पे ये यहाँ पे अमेज दी गई है तो इस अमेज को क्या बोला जाता है यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए फाइल ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट ऑप्शन सी शॉर्टकट या ऑप्शन डी फोल्डर तो इसका जो सही आंसर है इस अमेज को जो बोला जाता है वो बोला जाता है फोल्डर तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इफ यू वॉन्ट टू मूव ए विंडो यू कैन क्लिक एंड ड्रैग दी यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए स्टार्ट बटन ऑप्शन बी टास्क बार ऑप्शन सी टॉप ऑफ द विंडो ऑप्शन डी क्लोज बटन तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी टॉप ऑफ द विंडो इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है सपोज यू हैव सेवरल विंडोज

क्लिक द आइकन्स ऑन द टास्क बार इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हेन यू मूव ए फाइल टू द रिसाइकिल बिन इट विल बी इमिडिएटली डिलीटेड फ्रॉम योर कंप्यूटर तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए ट्रू ऑप्शन बी फॉल्स ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी नन ऑफ पावर तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी फॉल्स इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है यू डबल क्लिक ए फाइल ऑन दी डेस्कटॉप इट विल ओपन दी तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए डिफॉल्ट एप्लीकेशन फॉर दैट फाइल टाइप ऑप्शन बी कंट्रोल पैनर ऑप्शन सी मोस्ट रिसेंटली ओपनड एप्लीकेशन ऑप्शन डी स्टार्ट मेन्यू तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए डिफॉल्ट एप्लीकेशन फॉर दी फाइल टाइप इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है यू कैन ओनली हैव वन यूजर अकाउंट ऑन विंडो कंप्यूटर तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए ट्रू ऑप्शन बी फाल्स ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी नन ऑफ हवर तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी फॉल्स इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है दी कॉल्टेना इज नेम्ड आफ्टर द करेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वीडियो गेम सीरीज तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए हेलो ऑप्शन बी फेवल ऑप्शन डी डेस्टिनी ऑप्शन डी फैंटेसी तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हेलो इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन विंडोज टेन व्हाट इज़ दी शॉर्टकट की टू टेक ए स्क्रीन शॉट ऑफ इंटायर डिस्प्ले एंड सेव तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन ऑप्शन बी एल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन ऑप्शन डी विंडोज़ की प्लस प्रिंट स्क्रीन ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी विंडोज़ की प्लस प्रिंट स्क्रीन इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है विंडो टेन बिलोंग्स टू बिच फैमिली ऑफ विंडोज तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए विंडोज सेवन एक्स ऑप्शन बी विंडो ए पी ऑप्शन सी विंडोज एन टी ऑप्शन डी विंडोज नेट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी विंडोज एन टी इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिच डेस्ट ऑफ फीचर्स हैज़ बीन इंक्लूडेड इन विंडोज टेन दैट वॉज ऑम्पटेड फ्रॉम विंडोज एट तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए सर्च वाई विंडोज की ऑप्शन बी गैजेट्स ऑप्शन सी रिसाइकल बिन ऑप्शन डी स्टार्ट मैन्यू तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी स्टार्ट मैन्यूज का सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है विंडोज टेन वॉज लॉन्स्ड इन विच ईयर तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2014। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 2015 इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है वट इज द नेम ऑफ न्यू बिल्ट इन ब्राउजर इंक्लूडेड इन विंडोज टेन तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एज ऑप्शन बी ओपेरा ऑप्शन सी कॉल्टेना ऑप्शन डी सुपर इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रो तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एज इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है दी विंडोज टेन बायोमेट्रिक लॉग इन फीचर्स हैज़ बीन नेम्ड तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए ऑप्शन ए विंडोज इंस्टेंट ऑप्शन बी विंडोज पेडलॉक ऑप्शन सी विंडोज हैलो ऑप्शन डी विंडोज बायो तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी विंडोज हैलो इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है वाट इज द मिनिमम ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड फॉर एन इन प्लेस अपग्रेड तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए विंडोज एक्स पी ऑप्शन बी विंडो सेवन ऑप्शन सी विंडो एट ऑप्शन डी विंडो एट पॉइंट वन तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी विंडो सेवन इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट डज विंडो टेन स्पॉर्स नेटिवली फॉर टू फैक्टर्स अथेंटिकेशन चूज टू तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए टी पी एम चिप एंड मोबाइल ऑप्शन बी आर एस ए टोकन ऑप्शन सी स्मार्ट कार्ड ऑप्शन डी आल ऑफ अबव तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए टी पी एम चिप एंड मोबाइल इसका सही आंसर है तो इस वीडियो में हमने विंडोज़ टेन एम सी क्यूज के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल धन्यवाद